Hello everyone, this is Abhishek Bhardwaj from Achieve IAS. In this video, we will discuss a very important topic, 22nd Law Commission of India, which has been given to the Kendra Sarkar recently. Okay, so in this video, we will know what the Law Commission is, what is its background, history, what is its importance, how is its constitute, who is it, who is it, we will discuss all this in this video. And it is very important from the perspective of your mains exam as well as from the prelims also. So before that, I would like to suggest our new viewers and subscribers that please join our telegram channel, from where you can get a free PDF of this video as well as you will get update from our institute regarding our new test series and programs. So let's begin with the video. तो वीडियो के अंदर हमने देखा कि न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो आपको पता है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है कि आप 22वां लॉ कमीशन जो है उसका गठन करो, और जो कि इंडिया में काम करेगा अगले 3 सालों के लिए. ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ के अंदर आया है. उसके अलावा की पॉइंट्स की बात करते हैं. की पॉइंट्स में बेसिकली हम जानेंगे कि लॉ कमीशन है क्या. बेसिकली लॉ कमीशन जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट बनाती है टाइम टू टाइम. ठीक है, देखो नॉन स्टैट्यूटरी के साथ साथ ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है. ठीक है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ये स्टैट्यूटरी है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चार्टर से बनती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर पास करती है तब इस लॉ कमीशन का जो है गठन हो जाता है. दूसरा, इसके अंदर जो फैक्ट निकल करके आता है कि जो लॉ कमीशन था सबसे पहला जो आज़ाद भारत का था वो 1955 के अंदर बना था 3 साल के लिए. तब से लेके अब तक के 21 और जो कमीशन वो गठित हो चुके हैं. 1955 में जो कमीशन बना था लॉ कमीशन, उसके जो चेयरमैन थे वो थे एम सीतलवाड़. ठीक है, एम सीतलवाड़ थे. उसके अलावा अगर पहले लॉ कमीशन की बात की जाती है पूरे भारत के इतिहास में, तो वो 1834 के अंदर पहला गठन हुआ था जब चार्टर एक्ट आया था 1833 का. ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में पहला लॉ कमीशन बना भारत में, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैककाले. आपको पता है कि लॉर्ड मैककाले ने भारत में जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, तो वो इसलिए दिए हैं क्योंकि वो इनके पहले जो लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन थे. लॉर्ड मैककाले ने उस टाइम पर पे जो दिए थे, अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन की, अगर हम बात करते हैं सिर्फ लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं हमारे इतिहास में जो आज की तारीख में भी हमारे को देखने को मिल जाती है. फॉर एग्जांपल कोडिफिकेशन ऑफ पीनल कोड, ठीक है, जो आईपीसी है हमारी, वो लॉ कमीशन ने दिया है. उसके अलावा आपका सीआरपीसी है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोडिंग, वो भी आपकी जो है लॉ कमीशन ने ही दी है. तो लॉ कमीशन का हमारे जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है. उसके अलावा बात करते हैं देखो इसकी वर्किंग की. बेसिकली ये एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए. ये अपनी रिकमेंडेशन देती है एडवाइस की फॉर्म में, उसको लागू करना ना करना आगे मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है. तो बेसिकली ये एक एडवाइजरी बॉडी हो गई, नॉन स्टैट्यूटरी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है. उसके अलावा जो हमारे लॉ हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, उनके अंदर क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या सुधार हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखना, और जितने नए कानून हुए हैं लागू उनकी फंक्शनिंग देखना कि वो ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा किसी और चीज़ में अगर लॉ की आवश्यकता है, किसी और चीज़ में अगर कानून की आवश्यकता है, उसमें रिसर्च करना, तो ये कुछ काम होते हैं लॉ कमीशन के. उसके अलावा अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो लॉ कमीशन ने दी हैं इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 262 रिपोर्ट जो आई थी इसकी, अब तक टोटल 277 रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी हो चुकी हैं लॉ कमीशन द्वारा अब तक जितने भी बने हैं. तो उनमें से 262 वाली जो रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया था कि आप एबोलिश करो डेथ पेनल्टी को, चाहे कोई भी क्राइम हो. उसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे थे, पहला था टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस और दूसरा वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, तो सिर्फ 2 एक्सेप्शन रखे थे जिसमें आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो. वो था पहला टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है, दूसरा अगर आप कंट्री के विरुद्ध जंग छेड़ देते हो. इन 2 केसेस में अब आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो निर्भया केस है उसके अंदर बहुत मांग उठी. बहुत जो वकील थे, जैसे इंदिरा सिंह थी, वो इंदिरा जयसिंह थी, वो कह रही थी कि आप जो है डेथ पेनल्टी मत दो निर्भया वालों को, जो उसके अंदर कन्विक्ट है उनको डेथ पेनल्टी मत दो. तो उसको लेकर के ये बेसिकली बात है कि जो 262 रिपोर्ट थी उसके अंदर लॉ कमीशन ने भी कहा है कि आप डेथ पेनल्टी मत दो, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस रखी है. उसके अलावा जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1999 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर बात की गई
कि आप जो है लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज होते हैं उनके इलेक्शन एक साथ करवाओ, जिससे कि गवर्नेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो ये भी एक अभी मुद्दा उठा था काफ़ी, आपको याद हो जब 2019 इलेक्शन हुए थे उसके बाद खूब कहा गया था कि ठीक है आप वन नेशन वन इलेक्शन का काफ़ी मुद्दा चला था, तो उसको लेकर के इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी, ये भी रिकमेंडेशन था लॉ कमीशन का। उसके अलावा क्या है, जो 267 रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, उसके अंदर एक नया कानून ड्राफ्ट हुआ था जिसका नाम था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017। इसके अंदर क्या था कि जो हेट स्पीचेस होती हैं उसके अगेंस्ट नए सेक्शंस एड ऑन किए गए थे कि जिससे कि जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है, हेट स्पीचेस से क्या होता है, डेमोक्रेसी को खतरा तो है ही, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे को कुछ कह सकते हैं या फिर वायलेंस कर सकते हैं, तो उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ न्यू सेक्शंस इसके अंदर डाले गए थे। उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अब मुद्दा चल रहा है और हो सकता है इस बजट सेशन में वो जो बिल है वो पेश भी हो जाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो रिकमेंडेशन है वो भी लॉ कमीशन द्वारा ही दिया गया है हमारी कंट्री के अंदर में। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी हमारी जो इस वीडियो के अंदर हमने देखी कि क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, 3 सालों के लिए बनाया जाता है, इसका ये टाइम पीरियड याद रखना कि कितने सालों के लिए बनाया जाता है, तो 3 सालों के लिए बनाया जाता है। उसके अलावा पहला कमीशन जो था 1955 में था इंडिपेंडेंट इंडिया का, जिसके चेयरमैन थे एम सी तलवाड़। पहला लॉ कमीशन पूरे भारत के इतिहास में जो था 1834 का था, 1834 में जो चार्टर एक्ट 1833 से आया था, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना, की पॉइंट्स इसमें। ठीक है, उसके अलावा काम क्या होता है आपको पता ही है, जितने एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनकी रिसर्च करना, रिफॉर्म्स लाना, ये बेसिकली इसका काम है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आपको बता ही दी, एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, और उसके अलावा हेट स्पीचेस के अगेंस्ट में, और यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के, 4 ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं लॉ कमीशन की। उसके अलावा मैं बता दूँ जो आपका 21st, अब तो ये 22nd की बात हो रही है, जो आपका 21st लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन थे बी एस चौहान। ठीक है, बी एस चौहान उसके थे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके सजेशंस हैं, फीडबैक है, आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया था आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो उसी के साथ मैं कहूँगा कि कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस।